हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। यहाँ पे देखो, बात आज हम लोग करेंगे रूल टू का। ड्रीम इलेवन के लिए जो है वो रूल टू हम लोग देखेंगे कि जो टीम क्रिएट करना होता है उसका रूल टू क्या है। हमने पहला जो है वो देख लिया है, और पहला वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है वो देख सकते हो। उसके आगे की चीज़ें जो है मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर रूल जब हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो तीन जो रूल होता है वो कौन कौन सा होता है जो कि आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। कभी भी जो है आप टीम बना रहे हो उसमें नहीं भूलना चाहिए। तो उस तीन रूल को जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि आप कभी भी उसको जो है मिस्टेकन से भी जो है वो फॉर्मेट नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखो होता क्या है, सबसे पहले जो है आप तो या तो है किसी पे टीम के लिए जो हो डिपेंड हो जाते हो कि कोई टीम दे देगा तो जो है आप जीत जाओगे, और या फिर जो है आप इस पे डिपेंड हो जाते हो कि जो भी आप चीज़ें खेलोगे उसमें जो हो जीत जाओगे। और ऐसे सीनरी में देखते हो कि अगर आपने टीम ज्वाइन कर लिया तो आप सोचते हो कि चलो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कहीं से टीम मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके जो है मैं जीत जाऊंगा। तो वैसा नहीं होता है। देखो, आपको जीतने के लिए आपको जो है सबसे पहले टीम का क्रिएट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और टीम आप कैसे क्रिएट करते हो कि आप जो है जैसे ही टॉस होता है तो 5-10 मिनट पहले जो हो आप टीम क्रिएट कर लेते हो, और उसके हिसाब से आप देखते हो कि अब मेरा टीम जो हो क्रिएट हो गया है तो अब जो है मैं खेलने वाला हूँ उसी से, और खेल लेते हो। यहाँ पर देखते हो, देखो हम लोग जो है क्या करते हैं कि टीम को आप देखोगे अभी जो है 18 घंटा इस मैच होने में पहले, और ऑलरेडी जो है मैंने 5 टीमें क्रिएट कर रखा है, एक कॉन्टेस्ट भी जो हो ज्वाइन कर रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी टीमें हम लोग अभी से क्रिएट कर लेते हैं तो ये हमारी पूरी सूझबूझ के साथ, एक टाइम देने के साथ टीमें जो है वो बनती है। अब इसके अलावा जो होता है, क्या होता है कि जब भी आप टीमें क्रिएट करते हो तो आप जल्दी जल्दी में जो हो टीमें क्रिएट करते हो, और बिना 15 मिनट में 5 मिनट में आप टीमें क्रिएट कर लेते हो ये जाने हुए कि कैसा ग्राउंड है, क्या परफॉर्म करेगा, किस तरीके से टीमें चलेगी, कौन सा प्लेयर चलेगा। और नॉर्मली क्या होता है ना कि देखो सबका टीम जो है बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि जिस भी टीम को जो है आप क्रिएट करते हो उस टीम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि उस टीम के जैसे बहुत सारे टीमें जो हो लोग लगा रखे होते हैं। क्योंकि अगर कॉन्टेस्ट आप देखो ना, तो कॉन्टेस्ट देखो यहाँ पे, तो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्टेस्ट देखो कितने लाख लोगों का जो है कॉन्टेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है 1-1.5 करोड़ लोगों का कॉन्टेस्ट है। ये देखोगे तो आपको जो है अभी 51 लाख दिख रहा है, जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते जाएंगे ये और ज़्यादा जो है बढ़ते जाएगा। इस तरह से जो है आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहे हैं। उसके नीचे देखोगे तो ये देखो कितने जो है वो, ये भी जो है 2.5 लाख का जो है कॉन्टेस्ट है। तो इतने सारे लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं, और इतने सारे लोग, डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों का टीम जो है वो अलग होगा। इसमें बहुत सारे लोगों का जो है कॉन्ट्राडिक्ट टीमें करता है एक दूसरे से, और ऐसी टीमें जो है परफॉर्म नहीं करती है। और ख़ास में कोई ऐसा होता है जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर जो हो चलते हैं, आपको लगते हैं कि ये प्लेयर चलेंगे लेकिन नहीं चलेंगे। आपको एक जो है मैं हमेशा सच्चाई बताता हूँ अभी के लिए कि देखो, आप जो भी टीमें जो है बनाओगे ना, अगर कोई प्लेयर ऐसा लगता है कि आज वो परफॉर्म अच्छा किया है, यानी कि अभी के जो मैच देखोगे उसमें आप अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो ये चीज़ मान के चलना कि अगले में जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखे चलना है। और जिस दिन ऐसा आप सोचने लगोगे तो आधे लोगों से जो है वो आपका टीम डिफरेंट हो जाएगा, और आपका GL जितना तभी जो है पॉसिबल हो पाएगा जब आप बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट सोचोगे। और ये तभी हो पाएगा जब आप बाकी लोगों जैसा टीम नहीं बनाओगे, तो उनके जैसा सोचना भी जो है आपको नहीं पड़ेगा। यानी कि एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आज चला है वो अगले मैच में नहीं चलेगा, ज़्यादातर चांसेज है नहीं चलेगा। इक्का दुक्का ऐसा होगा जो हर मैच में चल रहा है तो वो हर मैच में चलेगा, लेकिन आज जो है 1-2 गलती से चल गया है तो वो अगले मैच में चलेगा, इसके चांसेस 90% से बहुत कम रहता है। 90% से भी कह दो कि अब नाक बराबर रहता है, केवल 10% चांसेस रहता है कि वो चलेगा। और हम लोग टीम बनाते हुए गलती क्या करते हैं कि हम लोग उसी को जो आज चल गया अगले दिन उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना देते हैं, और वो क्या होता है अगले दिन या तो आउट हो जाता है या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो इस चीज़ का जो है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है टीम बनाते हुए। अब देखो, पहला जो कंडीशन आता है, जो मैं आपको तीन कंडीशन बताया कि तीन कंडीशन जो है वो टीम बनाते हुए क्या करना है आपको सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पिच का जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो पिच का ध्यान रखना जो है वो कैसे देख सकते हो, तो देखो ये पिच रिपोर्ट का जो अगर हम लोग बात करते हैं तो पिच रिपोर्ट पे मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो आता है हमेशा, और उसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है। ये बाउंसी हो सकता है या फिर जो है वो स्पिनर फ्रेंडली हो सकता है, बैटिंग फ्रेंडली हो सकता है। साथ में ये भी बताता हूँ कि कौन जो है वहाँ पे बैट्समैन किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, ऑलराउंडर कैसा कर सकता है, बॉलर में फास्ट स्पिन कैसा कर सकता है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में जो है आपको चर्चा करता हूँ, तो उसको देखना आपको मस्ट है अगर आप अपने मन से जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो।
या फिर जब भी मैच स्टार्ट होता हो तो आधा घंटे से पहले, टॉस से पहले जो भी पिच एनालिसिस करने के लिए जाता है आप उसको देख सकते हो। वो भी जो है ना बहुत ही एक्यूरेट बताते हैं, 90% केसेज में, 80% केसेज में जो भी वो बताते हैं एक्यूरेशन जो है वो होता है। और मेरे वीडियो में अगर आप देखते होगे तो आपको पता होगा कि जो भी मैं बताता हूँ उनमें से 80% चांसेस रहता है कि पिच वैसा ही बिहेव करता है। किसी किसी केस में ऐसा नहीं होता है कि हाँ जो है बिहेव नहीं करता है, क्योंकि पिचेज जो हो कभी कभी बदल जाती है, जो कि सीनरियो अलग हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे पिच कैसे मायने रखता है कि देखो पिच के हिसाब से हमें टीम बनाना है या फिर जो एवरेज रन होता है उसके हिसाब से हमें जो है टीम बनाना है। अब इन दोनों कंडीशन को हम सबसे पहले समझते हैं कि ये पहला कंडीशन है कौन सा, पिच के हिसाब से। दूसरा कंडीशन है एवरेज रन के हिसाब से। अब पिच के हिसाब से कैसे, देखो अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रन जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। अब जब रन ज़्यादा लगेगा तो इसमें दो चीज़ें होगी क्या, कि एक तो हमें बैट्समैन जो लेंगे वो रन ज़्यादा मारेगा, तो हमें बैट्समैन भी कौन सा पिक करना है इस पे भी जो है फोकस करना पड़ेगा। अब बैट्समैन कौन सा लेंगे, तो बैट्समैन वही लेंगे जो अच्छे फॉर्म में है या टेक्निकली जो अच्छा दिख रहा है कि हाँ लास्ट मैच में थोड़ा सा एक कीमियो दिया, अगले मैच में एक अच्छा चल सकता है, उसको चांसेस मिल सकता है, ऐसे को जो हम लोग एक अच्छा मौका दे सकते हैं कि वो जो है एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं पिच रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया होगा कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम का जो हमने बनाया था बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु का मैंने बोला था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रन लगेगा, और उसमें आपने देखा कि आरसीबी जो है वो 212 बनाई और 213 बना के जो है वो लखनऊ जो है जीत गया। अब देखो इसमें जीत तो गया लेकिन रन बनाया कौन, बैट्समैन ही बनाया होगा कोई ना कोई ऑफकोर्स। और मैंने ये भी बताया था कि देखो बेंगलोरी में जो है आपको बोला था कि जब भी टीम बनाना, तो वहाँ पे जब मैंने मैच एनालिसिस वाले वीडियो डाला था तो उसमें भी बताया था कि वहाँ पे देखो विराट कोहली का फॉर्म अच्छा है, इसके अलावा जो बताया था कि डुप्लेसी का फॉर्म अच्छा है, इसके अलावा बताया था कि मैक्सवेल एक बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्की प्लेयर है, जहाँ पर अगर चल जाता है तो आपके लिए जो है वो बल्ले बल्ले मैच अच्छा दे सकता है। और यही मैंने बात किया था जब लखनऊ का, तो लखनऊ में बोला था कि यार उनका फॉर्म अच्छा नहीं है मत लेना। काइल मेयर्स को भी बताया था कि पिछले एक दो मैचों से जो है वो शुरुआत में अच्छा रन आया था लेकिन अभी नहीं आ रहा है, तो उसे भी जो है थोड़ा सा अवॉइड करना है। और साथ में ये भी बताया था कि जो यहाँ पर देखोगे बधोनी को मैंने बोला था कि ले लेना है, तो थोड़ा सा रन जो है आपको जरूर देखने को मिला, ड्रीम इलेवन टीम में था। इसके अलावा अगर बात करते तो हम लोग जो है निकोलस पुरन को जो है वहाँ पर शामिल किया था, जो कि एक अच्छा रन देखने को दिया। और हम लोग से एक मिस क्या हो गया था कि हमने स्टोइनिस को जो है काउंट नहीं किया था। स्टोइनिस का हल्का सा फॉर्म जरूर दिखा था उससे पहले मैच में, लेकिन मैंने वहाँ पर बोला था कि उससे पहले मैच में हल्का सा फॉर्म दिखा है, कि पिछले दो चार मैचों से अभी अच्छा फॉर्म नहीं दिखा है, तो एक अच्छा फॉर्म जो है वो आ सकता है, मैंने सब बोला था, पर टीम में हमने काउंट नहीं किया था। और ऑस्टोनिस में जो हम लोग मार खा गए थे, जो कि ऑस्टोनिस ने जो है 65 रन बनाया था। तो इस चीज़ को जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो पहले जो बॉय बैट्समैन चलना होता है उसके आने वाले एक दो मैचों में वो शुरुआत में पहले ही जो वो अपना चाल ढंग दिखा देता है कि हाँ अगले मैच में ये अच्छा रन मार सकता है। तो उसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि आपको जीएल जीतना है तो थोड़ा सा मेहनत जो है आपको करना पड़ेगा खुद से, या फिर जो है ऐसे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो इस चीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। इसके अलावा देखो जो एवरेज रन है इसके हिसाब से आपको कैसे जो हो टीम क्रिएट करना है, कि एवरेज रन का मतलब होता है कि एक ग्राउंड पे कितना रन जो हो बन रहा है ऑन एवरेज। और एवरेज रन जो है मैं अभी जब भी पिच रिपोर्ट जो हो डिस्कस करता हूँ तो वहाँ पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो एवरेज रन है वो किस एरिया में है, और साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि देखो कौन कौन एरिया में अगर एवरेज रन है किस तरीके से जो हो बन सकता है और यहाँ पर कितना रन बन सकता है, ये मैं पिच वाले डिटेल्स में पूरा बताता हूँ। वो इसी के लिहाज से जो हो पिच रिपोर्ट मैं तैयार करता हूँ। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो अगर रन बन सकता है, जैसे देखो किसी ग्राउंड पे जो है अगर 150 का एवरेज रन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि इस एरिया के बाद में जैसे मान लो 150 से लेके 170 के बीच में बहुत ज़्यादा रन बन रहे हैं, तो अब यहाँ पे बनने के तो 190 बन सकता है, बनने के 130 बन सकता है, लेकिन चांसेस किसका है कि इसी बीच के एरिया के पास जो है रन बनेगा। अब देखो अब जब इसी बीच के एरिया के पास रन बनेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि देखो 10 बैट्समैन मिलके 11-12 जो है प्लेयर्स मिलके जो टोटल 11 खेलेंगे, अब तो इम्पैक्ट हो गया तो 12 खेलेंगे, तो अगर इतने सारे मिलके 150 रन ही बनाना है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रन जो हो नहीं बनाने वाला कोई भी, एक दो बैट्समैन ऐसा चलेगा जो कि 40-50 रन मारेगा, बाकी सब मिलके जो हो छोटे छोटे रन बनाएंगे। तो अब आपको ये सोचना है कि जो एक बैट्समैन होगा वो कौन होगा जो कि 40-50 रन मार सकता है, क्या वो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन लाइक जो है हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यही जो है क्या है रिस्क है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी बैट्समैन मिलके जो है वो 100 रन बनाएंगे, उनमें से कोई हो सकता है 20 मारे, कोई 30 मारे, कोई 0 बनाएगा, कोई 2 बनाएगा, तो उनका विकेट भी तो कोई ना कोई लेगा। तो अब उनका विकेट जो है वो कौन ले सकता है, क्या वो स्पिनर ले सकता है या फास्ट ले सकता है, अगर 150 रन ही बन रहा है तो क्या वो स्पिनर फ्रेंडली ग्राउंड है या जो है वो आपको बैटिंग फास्ट बॉलर फ्रेंडली जो है वो ग्राउंड है। तो इस चीज़ का एनालिसिस भी जो है आपको पिच रिपोर्ट में मैं दे देता हूँ,
और यहाँ पे जब आपको इस चीज़ का जो है एनालिसिस अगर आप खुद से करना सीख जाओगे तो और ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप बहुत इसी तरीके से जो है टीम बना सकते हो। या फिर आप डेनली एनालिसिस की वीडियो फॉलो करो, आप जो है पिच रिपोर्ट वाले वीडियो फॉलो करो, वहाँ से जो है आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये दो चीज़ें जो है वो हो गई जो आपको कभी छोड़ना नहीं है। जो तीसरा चीज़ हो गई, तीसरा चीज़ ये है कि आपको जो है ना क्या करना है, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप जेल ज्वाइन करते हो, देखो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी देखो 5 टीमें बनाई है, एक टीम से मैंने जेल जो है ज्वाइन कर लिया है, और कितने टीम से जो है मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो हमें एटलीस्ट जो है वो देखो 4 से 5 टीमें जो है वो एटलीस्ट इंक्लूड करना चाहिए, और 4 से 5 टीमें इस हिसाब से रखना चाहिए कि हमें लेके चलना चाहिए कि 4 से 5 जो टीम मैं बना रहा हूँ या डाल रहा हूँ, ये 4 से 5 टीमें मेरी यूनिक होनी चाहिए, और मैं खुद भी जो जीएल का टीम खेलता हूँ वो यूनिक रहता है, और बाकी मैं जो आप लोग भी टीमें जो देता हूँ वो अलग टीमें रहती है, वो भी जो है वो अलग टीमें रहती है, बाकी मैं जो 4-5 टीमों से खुद खेलता हूँ वो जो है मेरी यूनिक टीमें रहती है, क्योंकि अगर मैं वो टीमें शेयर करूँगा तो फिर मेरी रैंक में जो है दिक्कत होगी। तो ये सीनरी जो है आपको यहाँ पे देख के जो है वो करना है कि आपको हमेशा जो है वो यूनिक के चक्कर में पड़ना है कि आपकी टीमें जो है वो यूनिक कैसे बन सकती है। अब देखो यूनिक बनाने के लिए जो है आपको भीड़ के साथ बिल्कुल नहीं भागना है, भीड़ इन द सेंस कि आपको जो है वो ऐसी टीमें क्रिएट नहीं करना है जो कि सबको नज़र आ रही है, आपको ऐसी टीमें क्रिएट करनी है जो किसी को नज़र नहीं आ रही है, आपको ऐसे प्लेयर को सिलेक्ट करना है जो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। अब देखो होता क्या है कि हम जो है अभी देखो मैंने 17-18 घंटे पहले जो है टीम क्रिएट कर लिया है, और इस टीम में जो हम लोग वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमें दिखाई देता है अभी के हिसाब से, लेकिन जब टीम हो जाता है, जब टॉस आता है, जब प्लेइंग 11 जो है आउट हो जाता है, जब यहाँ पे लाइनअप जो है आउट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स में जो है 1-2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नहीं खेल रहे हैं, और उसके बाद से उन 1-2 प्लेयर के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना टीम होता है उसे पूरा री एडिट करते हैं, और जब भी पूरा री एडिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हम लोग पहले से सोच के बनाए होते हैं टीमें उस सोच को जो हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले से सोच के रखना है कि अगर बॉलर नहीं चलेगा तो हमें उसकी जगह किसको लेना है, बैट्समैन नहीं चलेगा अगर ये वाला बैट्समैन से कोई निकलता है तो उसके बाद कौन सा नंबर का जो है बैट्समैन हमारे पास चाहिए, उसके बाद हमें रखना है कि अगर विकेट कीपर में ये वाला नहीं रहता है तो अब उसके बाद हमें कौन सा लेना है। और अब देखो ऐसा हो गया है कि ड्रीम इलेवन आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या करना है कि एक टीम से जो है वो 6 लो, एक टीम से 5 लो, या एक टीम से 7 लो, एक टीम से 4 लो, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक टीम से 10 ले सकते हो, एक टीम से सिंगल ले सकते हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो है बिल्कुल ले सकते हो। अगर कोई टीमें जो है बिल्कुल फ्लैट जो है वो जीतने वाली है तो उसके 10 प्लेयर परफॉर्म करेंगे, आप 10 ले सकते हो, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये ऑप्शन मिल रहा है तो आप ले सकते हो। पहले होता था कि आप 3 जो है वो आपको बॉलर लेना कंपल्सरी होता था, 3-2 जो है ऑलराउंडर ले सकते थे, एक विकेट कीपर लेना जरूरी होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जो है आप जिस तरीके की टीम बनाना चाहते हो तो उस तरीके बना सकते हो। तो अगर आपको अगर यूनिक टीमें बनाने पड़ रही है तो आप अपने हिसाब से जैसा टीम चाहो उसे बना सकते हो, आप एक टीम के पूरा प्लेइंग 11 जो है डाल सकते हो केवल एक को छोड़ के, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप अलग अलग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे तब भी जो है वो आपको इसमें एक अच्छा सा जो है सक्सेस मिल सकता है। तो इस चीज़ का जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको कैसी टीमें बनानी है, किस तरीके की टीमें जो आपको ज्वाइन करना है, क्या वो टीमें अधवेड़ा होना चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, या कैसे टीमें आप बना सकते हो उसके हिसाब से जो है आपको पॉइंट आपका डिसाइड होगा। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और यही चीज़ें जो है आपको जीएल जिता सकता है और जीएल में जा सकता है। तो ये जो है ना रूल जो है वो 2 है जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद अभी बहुत सारे जो है वो रूल्स आने वाले, तो इस सीरीज़ को पूरा ज्वाइन करना और पूरा इस सीरीज़ को रेगुलर शुरुआत से ही देखो, तभी जो है ये आगे एक ही चीज़ें समझते जाओगे, और बीच में देखोगे तो समझने नहीं आएगा। तो एक एक करके जो है वीडियो से जो है पहले वीडियो से देखना शुरू करो आप, और देखते हैं कि कहाँ तक जो है हम लोग इसको लेके जाते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आऊँगा जो कि एक नॉर्मल जो है वो खेलने वालों को पता नहीं रहता है, और इसके सहारे आप एक अपना अच्छा जो है डेवलप कर पाओगे। तो होप से वीडियो आपको जो है वो थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।